शुक्रिया जलाल, निकाह से तलाक तक के ये सफर बहुत हसीन रहल। रउआ हमके पलक पे बिठेले, नूर मंगनी ता आफताब लाके देले। रउआ ना सिर्फ हमके बेगमे खास के ओहदा देले, बल्कि अपन खास दोस्त बना के रखला। शुक्रिया उ तमाम याद खातिर जे जे रउआ से जुड़ल बा। अपन बाकी की जिंदगी हम वो याद के साथ गुजार लेब। लेकिन जलाल, हमार सांस के का? हमार सांस राहुल राहुल नाक से जुड़ल बा। कल जुदा होखला के बाद कहीं हमार सांस थम ना जाए। जलाल, रउआ से दरख्वास्त था हम एगो और याद आपन याद में शामिल करे चाहता नहीं। कल रउआ हमसे जुदा हो जाए, बाकी तब तक हम राहुल बेगमे खास बानी और हमके बेगमे खास होके के हक चाहिए। यही खातिर हम चाहता नहीं कि आज के रात रउआ हमरा साथ गुजारी, ताकि कल दिन के कहर सहे के ताब होके हमरा में। आज के रात आंख भर आईल हमार जोधा बेगम ओ खत के पढ़ के। वहां रुके के ताप भी हम अपना अंदर ना ला पैनी। कितना पीड़ा पहुंचालो की रुकैया बेगम के। ओकर त अंदाजा लगाईल ही मुश्किल है जोधा बेगम। रुकैया बेगम पैगाम भेजले बानी क्यों हम दोनों से मिले चाहता नहीं। पता ना अब उनके मन में का बा। जोधा बेगम, रउआ के याद बा जब जलाल पे शेर हमला कैले रहे, तब हम तीनों उनके खातिर दुआ मंगले रहनी। हमके लागत रहे कि सब में से हमार दुआ में सबसे ज्यादा शिद्दत रहे, कि हमार दुआ सबसे पाक रहे। और यही खातिर हमने के दुआ कबूल भी भइल। लेकिन लागत हमरा खातिर केहू इतना शिद्दत से दुआ कैला सीना। यही खातिर कल हम यहाँ से में हमार मल्लिका एक खास के मोहर हा। आज के बाद रउआ एके इस्तेमाल करब। सलीमा बेगम, हम जोधा बेगम से अकेला में कुछ बात करे चाहता नहीं। रउआ बुरा मत मानिहा जोधा बेगम, कहे कि हमार नजर में सलीमा बेगम ओहदा और उम्र दोनों में रउआ से बड़ बानी। हरम और मुगल कायदा आपसे बेहतर समझ सकेनी, लेकिन हमार रउआ से भी एक इल्तिजा बा। आदेश करी रुकैया बेगम। सुन ले बानी, रउआ सजे सजावे में बहुत माहिर बानी। आज हमारी महल में जलाल के साथ आखिरी रात था, तो हम चाहता नहीं कि रउआ हमके वैसे ही सजाई संवारे जैसे रउआ खुद के सजावे नी। हम कभी खूबसूरत दिखे के या सजे के कोशिश न कैनी, काहे कि हमके लागत रहे हमार खूबसूरती हमार दिमाग में बा, जलाल के दिमाग काबू करे में बा। लेकिन खूबसूरती महसूस करे खातिर दिल चाहेला जे जलाल के पास बा ही ना। यही खातिर ये बात सच निकलल।
अगर जलाल के पास दिल होखत तो वो हमें कबो तलाक देवे के बात ना करते। खैर आज रात के बाद सब कुछ बदल जाए। तब बोली जोधा बेगम, का आज रउआ हमार श्रृंगार करी है? रउआ सोच रहल हो कि है ना कि हम रउआ से ऐसन करे के काहे का रहल बानी, काहे कि रउआ उ वजह बानी जेकरा वजह से आज के रात हमार ई हरम में आखिरी रात होगी जलाल के साथ। अगर आज रउआ तस्नीम के मामला के इतना हवा ना देले होती तब बात इतना आगे ना बढ़त कि शहनशाह के हमके तलाक देवे की जरूरत होखत। ई रात आइल बा तर राउर वजह से, ई तलाक हो रहल बा तर राउर वजह से। ना रुकैया बेगम, हम कबो ना चाहत रहनी कि रउआ और शहनशाह के बीच में संबंध विच्छेद होके। झूठ बोल रहल बानी रउआ, हकीकत तो यह बा कि ई राउर चाहत रहे, रउआ हमार जगह और वोहदा लेवे चाहत रहनी। अब आंसू बहा के खुद के मासूम साबित करे के कोशिश मत करी, हमके सजाए के तैयारी करी। हमार खाविंद के साथ आज हमने के आखिरी रात खातिर। यदि रवा कैसन लागत रुकैया बेगम कि सब कुछ हमरा कारण हो रहा बा तो हम एक ना होखे दे, कौनो भी मूल्य पे ना होखे दे। राउर नाम ता कयामत जिंदा रहे। राउर देहल खैरात से गरीबन के पेट तो भर जात रहे, मगर आज राउरी नेक काम से हमने के प्यास बुझी। अल्लाह ताला रउआ के दुनिया के सारा खुशी देवे। शहंशाह कहाँ बाड़े? हथियार गांव में बाड़न बेगम साहिबा। गुस्ताखी माफ होके बेगम साहिबा, लेकिन ओहिजा रउआ के जाए के इजाजत नहीं खे। वक्त आपके यहाँ ना आवे के चाहत रहे जोधा बेगम। और हमके लागता कि हमके इस समय यही जे होखे के चाही। ये वक्त हम आपके साथ बहस ना करे चाहता नहीं जोधा बेगम। हम पहले ही सल्तनत के मसला में उलझल बानी। रउआ के आपन जन्मदिन स्मरण बा? उ दिन मिलल सबसे बड़ भेंट स्मरण बा रउआ के। प्रजा के शुभकामना। हमके अच्छा तरह से याद बा जोधा बेगम, मगर उदिन मिलल दुआ भी हमरा साथ नहीं खेदेत। एक कुआं खुदावे के समय जौन दुआ मिलल रहे, आज एक नया कानून बनावे से वो हाय में तब्दील हो गेल बा। आवाम हमसे नफरत करे लागल बा जोधा बेगम। ई क्रोध या घृणा अदम खान खातिर बा रउआ खातिर ना? हम जानत नहीं जोधा बेगम, मगर हम आवाम के ना कर सके लिए कसूरवार हम ना अदम खान बा। हमेशा कसूरवार उही के मानल जाला जेकर हाथ में सल्तनत के भागदौर होके। तब बता दी उनके, सिद्ध कर दी सबके सामने कि असल दोषी अदम खान है, रवाना। प्रजा के शुभकामना फिर से राउर साथे हो जाए। हम ऐसा ना कर सके जोधा बेगम, अगर हम ऐसा करी ली तो ही हमार कमजोरी साबित हुई। मानता नहीं कि रवा ना कह सके ले, परंतु रुकैया बेगम तो कह सके नहीं। हम समझ नहीं ना जोधा बेगम, शहंशाह कुछ ऐसा करे के होगी जेकरा से सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। प्रजा रवा के और रुकैया बेगम के बहुत प्रेम करेली, रवा दोनों के साथ के बहुत प्रेम करेली। ताकि उलोग रवा दोनों के बचपन से साथ में दिखले बाड़े, और यदि ऐसन में रुकैया बेगम अपन पक्ष जनता के सामने रखी हैं तो लोग उनकर बात सुनिए, और ई तरीका से राउर बात भी उनके सामने पहुंच जाए और रवा के उनके सामने भी ना जाए के पड़े। Thank you.
तू जाने चाहत रहलू ना कि हम अपन रिश्ता के बचावे खातिर का करे के बा, ता हम के रास्ता मिल गेल बजे से आज के रात हमनी के आखिरी रात ना होई। हमको समझनी ना। हम चाहतनी आप आवाम से मुखातिब होके ठीक वैसे ही जैसे एगो बेगम उनके अलविदा कही, और अगर वो जज्बाती हो जाइए तो हम उनसे वो करवाई जोन हम करवावे चाहतानी। लेकिन रहुआ जाके आवाम से काहे ना बात करे तानी? काहे कि हम चाहतानी कि उनकर चहेती बेगम उनसे बात करे। रहुआ करे कहा चाहतानी? हमके तक उस समझ ना आ रहल। शहंशाह के इकबाल बुलंद होके रहुआ याद फरमाईनी हुजूर। जियत का साहब, हम चाहतानी आप तमाम वजीर आला ओदेदार और आवाम में पैगाम भिजवाएं कि रुकैया बेगम उनसे मुखातिब होके चाहतारी, उनसे कुछ बात करे चाहतारी। रावर हुकुम के तामिल होके हुजूर। अब देख अब जोधा बेगम, आपके बताए रास्ता हमके मुश्किल से बाहर निकाली की ना। सुन लो तू लोग, रुकैया बेगम आज रात आवाम से कुछ कहे चाहतानी। ऐसन का हो गई जे आज मल्लिकाए बेगम आवाम से मुखातिब हो गई ली? खबर पक्का बा हुजूर, रुकैया बेगम आवाम के सामने आवे वाली बानी आज। का कहे चाहत बिया हुआ आवाम से? जले पे नमक छिड़के में बहुत मजा आवे ला ना रहुआ के, यही से फिर से हमरा सामने आ गई। राउर वजह से आज ये सब हो रहल बा, हमार निकाह दांव पे लागल बा सिर्फ राउर वजह से। पर ये मत समझिया कि ये सब रहुआ खातिर बहुत आसान होगी। हम वादा करतानी जितना हम भुगत रहल बानी उसे कहीं ज्यादा तकलीफ हम रहुआ के पहुंचाई। बेगम रुकैया जिंदाबाद, बेगम रुकैया जिंदाबाद, मल्लिकाए बेगम जिंदाबाद, मल्लिकाए बेगम जिंदाबाद, जिंदाबाद। हम खुशनसीब बानी कि रउआ लोग हमरा के बेपनाह मोहब्बत देले, और खुदा गवाह बा कि हम भी दिलो जान से कोशिश कैनी कि अवाम के खैरियत के मुकम्मल इंतजाम कर सकी, रियाय के रस्म और रिवाज होके ले जे रउआ लोगन से बेहतर के हूँ न जानने रे, और कुछ रस्म और रिवाज हमनी के तरक्की के रोके ले, वो हमनी के तहजीब पे एगो दाग होके ले। और यही रिवाजन में से एक रिवाज है नाबालिग बच्चन के निकाह, कबो गरीबी की वजह से, कबो रिवाज के नाम पे, और कबो मजबूरी में ही बच्चन के निकाह कर देहल जाला। खिलौना से खेले के उम्र में इनके सर पे कुनबा के बोझ पड़ जाला। ये लड़की बानी जे आवे वाला नस्ल के पैदा करेनी, जे सल्तनत के मुस्तकबिल बानी। ऐसे शहंशाह एगो नया कानून बने ले हा जे अब से सल्तनत में कोनो भी नाबालिग लड़की के निकाह ना होखी। इस सब के पीछे शहंशाह के एगो ख्वाहिश बा कि रउआ सब लोग नाबालिग निकाह के नुकसान समझी और दिल से इस तरह के निकाह के मुखालफत करी, अपन बेटियन के समझे, और जब तक वो समझदार ना होके उनका निकाह जबरदस्ती केहू से भी ना करावे। मगर सूबेदार अधम खान एह कानून पे सवाल उठैले और शहंशाह के याद दिलैले बाड़े कि वो हमसे निकाह तब कैले रहले जब हम दोनों नाबालिग रहनी, और जब शहंशाह एगो नाबालिग लड़की से निकाह कर चुकल बाड़े तो उनके केहू और के रोके के हक नहीं थे। और अधम खान के इंसाफ दिलावे खातिर खुद वो कानून के शुरुआत करे के अपना आप से फैसला ले ले पड़े, और आवाम के सामने एगो मिसाल बनावे खातिर वो हमरा के तलाक देवे के फैसला कैले हो। और शहंशाह के ख्वाहिश के इज्जत देके कल हम तमाम मौलवी हजरत साहब, काजी साहब और रिश्तेदारन के सामने शहंशाह से तलाक लेवे जा रहल बानी। और हमार रउआ लोगन से इहे इल्तिजा बा कि रउआ शहंशाह के ई मिसाल के इज्जत देवे। हम फिर से रउआ लोगन के शुक्रिया अदा करे चाहतानी कि रउआ लोग हमके मल्लिकाए बेगम के तौर पे इज्जत और मोहब्बत से नवाज ले। खुदा हाफिज। आदम खान नवा करामा, आदम खान के फांसी दा, आदम खान मुर्दाबाद, आदम खान मुर्दाबाद, आदम खान मुर्दाबाद, फांसी दा।
अधम खान मुर्दाबाद, अधम खान मुर्दाबाद। बस अब हम ए जना रुका, हम के बाहर जाए के बाहर देख। अब जलाल हमार काम अधम, रवा पागल हो गई बाड़ा का, रवा के सुनाई ना दे रहल बा, दिखाई ना दे रहल बा, अब हम पागल हो गई बा, बागी हो गई बा। इतनी महल से महफूज जगह रहुआ खातिर और कोनो नहीं के अधम हमार बात मानी, रवा ही महल से बाहर ना जाए कहीं पे भी। हम जाए के का बिगाड़ सकेला हमार, के मारी, के मारी, के मारी। अधम अधम भीड़ के कोनो चेहरा ना होखेला, हमार बात समझे की कोशिश कर अधम। बात बहुत आगे बढ़ चुकल बा, अब हमारा हाथ से भी निकल चुकल बा, हम कुछ न कर सकब। कल जब हंगामा होगी तो ये सारा आवाम रहुआ के जान के पीछे पड़ जाए, रहुआ बाहर ना जाए, रहुआ अपन जान से हाथ धो पाई। जब हुजूर, हुजूर, अधम खान के कहीं छुपा दी हुजूर, सारा आवाम इनके खिलाफ हो गई बा, अधम खान के उनके सौंपे के मांग हो रहल बा हुजूर, अधम खान साहब के लोगन के नजर से छिपावे के हो कि हुजूर। खामोश, खामोश। तो के का लगता कि हम बुजदिल बानी, के उसे डराए वाला बानी? हाँ अधम, अधम हम ना छोड़ा इनके, ना छोड़ा, रुवा कहीं ना जाए, खबरदार एक कदम आगे रख लेता। अधम, अधम, रुवा के हमार कसम, रुवाई यहाँ आई, आई आई जाई, कुछ दिन खातिर अंदर छिप के बैठी हम लोग। जान हम कहीं ना जाए वाला, अधम खान के केहू के डर नहीं के, मैं जान हम कहीं ना जाए वाला। अधम खान कबो कबो वक्त पे ढल जाए, बेवक्त मरे से अच्छा हो खेला, और हम जाने ले रहुआ केहू से डरेला नहीं खे। बस हमरा खातिर, हम रहुआ के कसम देत बनी अधम, बस कुछ दिन खातिर हम रहुआ के जल्दी बाहर बुलाई, कुछ दिन खातिर अपन अम्मी जान खातिर जाई यहाँ से। अधम जाई, जाई जल्दी बुलाई हम रहुआ के, बाहर मत निकली है अधम, जब तक हम ना बुलाई बाहर मत निकली है, बाहर मत आई है, बाहर मत आई है, बाहर मत आई है। रेशम ध्यान रखिया कि अधम खान बाहर ना निकले जब तक हम ना कहीं। वजीर हुजूर, रियाय के गुस्सा बहुत बढ़ल जा रहा बा, और बहुत देर तक हमने उनके रोक ना पाई। हमने के फर्ज महल के हिफाजत कैल, मुस्तैदी से तैनात रहा, कोनो भी अनचाहा हादसा मत होके पावे। ही कानून गलत बा, हमने अपन बीवी बच्चन के साथ खुश बानी, हमने कहे उनके तलाक के? एक अधम खान के मांग पे हमने अपन खानदान नहीं की बिखेर सका। माँ बाप के जीत जी, अपन बच्चन के बिन माँ बाप के कैसे कर सके? नहीं एक अच्छा तो ये बात कि हमने के मुगलिया संतलत छोड़ के बाहर चल जाये। दरवाजा पे सैनिक के टुकड़ी बढ़ा दा, आवाम के हर हालत में काबू में रखेगा हमने के। जी हुजूर। उस तरफ वजीर आलिया, वजीर आलिया यही जैसे चली। वजीर आलिया खून, हम लोग सल्तनत छोड़ के बाहर चल जाए, हम लोग चल जाए, अधम खान मुर्दाबाद। महामंगा जी, अधम खान के बाहर निकाला। हे अम्बे माँ, ये तो बहुत गहरा घाव बा, देख लेला जलाल, तोहार एक कानून का गजब धा दे ले बा, तोहार एक फैसला से कितना खानदान के कुनबा टूट जाई, ये सोच ले ले होकता
कितना औरतन के कितना बच्चन के हाय लगी। आज आवाम दरवाजा तक पहुंच गईल बा और कल महल के अंदर दाखिल हो सकेले। गुस्ताखी माफ हुजूर, मगर हालात अब काबू से बाहर हो जा रहल बा। राउर हुकुम होके ता आवाम के खदेड़े खातिर फौज के एगो टुकड़ी भेज दिया जाए। का और कोनो रास्ता बाद का साहब? एके रास्ता बा हुजूर, रउआ के आवाम से मुखातिब होके के पड़ी। ना शमसुद्दीन साहब, हम एकर इजाजत ना देहब। कहीं आवाम गुस्सा में आके जलाल के कुछ चोट पहुंचा दे हलता। ऐसा जरूरत ना करिए, उन लोग के खाली आदम चाहिए। इब्राहिमबा, बड़म्मी आपके का भइल? आई बैठी। ना हम ठीक बानी जलाल। हाय अल्लाह, जनता अपन आपा खो बैठे। ओ केहू पे भी पथराव कर सकेली, यही से इनके गहरा चोट लगा। उनकर इतना जरूरत की हमार बड़म्मी के पत्थर मर ले। आई बड़म्मी, हमके रोके के गुस्सा की मत करी जोधा बेगम। वो हमार बड़म्मी के ना हमार आबरू हमार रूह पे पत्थर मरले बड़ी, उनके जवाब देवे के पड़ी। शहंशाह, महामंगा जी के बहुत रक्त बह रहल बा, इनके औषधि दे लगवा लेवे दी। शायद आप जानत नहीं की जोधा बेगम, मगर हमार बड़म्मी बहुत मजबूत बानी। वो मुगल सल्तनत खातिर बहुत घाव सहले बाड़ी। हे अंबे मां, कौनो अनहोनी से बचैया। आप सब भेजे रुकी, ये आवाम हमारा है, हमके इनसे खौफ नहीं के। आई बड़म्मी। शहंशाह, वैसे तो बाहर के सारा इंतजाम पुख्ता बा, लेकिन अगर किला के बुर्ज से आप जाइब तब महफूज रहब। मुर्दाबाद, अदम खान मुर्दाबाद, अदम खान मुर्दाबाद, अदम खान मुर्दाबाद, अदम खान मुर्दाबाद। के मरलस पत्थर हमार बड़म्मी के, बतावा। के मरलस पत्थर हमार बड़म्मी के, मुगल सल्तनत के वजीर आलिया के पत्थर मारल, मतलब अगर बादशाह के पत्थर मारल हो खेला। अगर आप लोग पत्थर मारे चाहता नहीं तो मारा हमरा के। का गुनाह बा इनकर? सिर्फ ही कि आदम खान के अम्मी जान बाड़ी। अगर यह बात बा तो हमार भी बड़म्मी बाड़ी। मारी हमरा के पत्थर, यह चाहता नहीं ना आप लोग तो मारी ना। जब तक आदम खान हमनी के ना मिली, हमनी के खामोश ना बैठा। जलाल, अगर आदम खान के बदला में हमके सजा देवे और इसे अवाम के गुस्सा ठंडा हो जाए, या तो हमके सजा दे दे। ना बड़म्मी, ये मुश्किल के हल नहीं खे। हमनी के आदम खान सौंप दी, रउआ सब जाना तानी। शहंशाह हमेशा रियाया के भला खातिर सोचले बाड़े, उनका इंसाफ देले बाड़े, और यकीन मानी ये बार भी रउआ लोगन के साथ ना इंसाफी ना होगी। ना इंसाफी तो हो रहल बा हुजूर, हमार तो एक पैर पहले से ही कबर में लटकल बा, और हमके हुकुम भइल बा कि हम अपन बीवी के तलाक दे दी। ये कैसन इंसाफ बा हुजूर, ये कैसन इंसाफ बा। ऐसे ते कहीं बेहतर हो कि शहंशाह अपन शमशीर से हमार सर कलम कर देवे। अगर ऐसा नहीं किया हो सका तो हमनी मुगल सल्तनत छोड़े खातिर मजबूर हो जाए। अगर कानून के दायरा में सब आए ले, हम भी यही खातिर हम रुकैया बेगम के तलाक देवे चाहता नहीं। हम भी मल्लिका बेगम रुकैया सुल्तान के बहुत पसंद करेली, ओकरा बावजूद भी हम उनके तलाक दे, आप सबके भी कानून माने के पड़ी। ये कानून बदल दी, रुकैया बेगम के तलाक मत दी। हमनी राउर बनावल हर कानून के इज्जत के लिए बनी। अगर रउआ ही चाहता नहीं तो हमनी के ये भी मानब, मगर एकर एवज में रउआ आदम खान के हमनी के सौंप दी। बस इतना इल्तिजा बा हमनी के। वही के वजह से सब हो रहा बा। ओके, खत्म कई के हमनी अपन दिल के आग ठंडा कर ले। हम आप सबके बात सुननी, पर ओकरा बदले हम सिर्फ इतना कहब कि आप सब लोग अमन बनाए रखी। कबो तमाशा बनावे से कोनो मुश्किल के हल ना निकलेला। हम कबो ना चाहब कि आप खुद के मासूम के और अपन सहिंसा के तकलीफ पहुँचावे। हमके तनी वक्त दी, हम अपन बेगुमात और आला अहदेदार से बारे में मुसल्लत करब, और ओकरा बाद आप सबसे मुखातिब होखब। लेकिन तब तक हम आपसे दरखास्त करतानी कि आप सब लोग अमन बनाए रखी। अदम खान मुर्दाबाद, अदम खान मुर्दाबाद, अदम खान मुर्दाबाद, अदम खान मुर्दाबाद, अदम खान। सब तैयारी हो गई? जी जनाब, सबसे तेज घोड़ा तैयार कर दिया गई बा। तस्नीम के घर कुछ दूरी पर बा, मगर महल के बाहर जाए वाला सारा दरवाजा पे आवाम इकट्ठा भी है।
अगर रउआ के बाहर निकलते वक्त केहू पहचान ले लस्ता। देखा ये अवाम का करी, हम ये अवाम से डरे नहीं खे, अधम खान नाम बा हमार, ये अवाम के अपन जूती के नीचे रखे नहीं हम। मालवा के अवाम अधम खान से खौफ ज्यादा बा, समझला? अधम खान रुक जाई ओही जय। वक्त आ गई बा कि रउआ आवाम से खौफ खाई अधम, रउ झलक भी दिखाई देलस ना उनके तो रउआ के चीर फाड़ डाली आवाम। कहले रानी सबके, जब तक हम ना कहीं अधम खान बाहर ना निकले फिर कहे आइल बाहर, मजाक लग रहल बा रउआ के ही सब, सर पर मौत खेल खेल रहल बा और रउआ दू कोड़ी के बांधी के पीछे पड़ल बाड़े, हासिल करे चाहत बाड़ा ओके अब तक। अवाम के गुस्सा के ना जाने ले रहूं अधम खान, अवाम के गुस्सा के आंधी बेग और तिनका के तरह उड़ के बह जाई बा, निकल जाई बा कहीं पे, खाक तक नसीब ना होखी हमनी के। सुनाई दे रहल बा? सुन ले ला रहूं मौत के पैगाम अधम खान, देखी चाहो बापन मौत के फरिश्तन के आए हम दिखावत बानी रहूं के, देखी अपन आग से अधम कितना भीड़ इकट्ठा बा। और ये सब लोग रउआ खातिर इकट्ठा भइल बाड़े, अगर इस सबे को छोट छोट कंकड़ भी रउआ पे फेंकी है ना तो पहाड़ बन के गिरी रउआ पे, बच ना पाई रउआ, वम की ताकत के कबो भी कम ना आके की चाही। बच्चे चाहब रउआ? बच्चे चाहब ना तो एगो काम करी, कुछ मत करी, सब हमके करे दी, जैसन हम कहत बानी वैसन ही करी, आई हमरे साथ। आदाब हुजूर, रउआ याद फरमोनी शहनशाह। जी अबका साहब, हम ना चाहता नहीं ऐसा सर्द रात में आवाम महल के बाहर इंतजार करे, ये खातिर फौरन दीवाने खास बुलाइल जाए, हम ही मामला पे अभी यही वक्त अपन फैसला सुनाइब। जॉन हुक्म शहनशाह। हम तार मामला के बारे में बहुत सोचनी आदम खान, रुकैया बेगम से भी मसलत करने का है कि तोहरा वजह से बहुत ठेस पहुंचल बा उनकरा के। आखिरकार हम ही नतीजा पे आयल बानी कि हम तोहरा आवाम के सौंप देब, उ तहार इंसाफ करी है। ना शहनशाह, शहनशाह रउआ ऐसा ना कर सके, रहम करी अदम खान पे शहनशाह। आप ही का कहा था नहीं बड़म में। हम रउआ से सिर्फ ये कह रहा बानी कि अदम खान पे रहम करी। हमार बच्चा बा अदम खान, और दूध भाई बा, रहम करी शहनशाह। बड़म में ही वजह से हम उकरा माफ करत आइल बानी, कहे कि वो आपके बेटा बा, और आज फिर से अदम खान मुगल हुकूमत और उकर शान के तमाशा बना दे ले बा, उभरल दीवाने खास में गुस्ताखी पे गुस्ताखी कई ले बा, हमार हुकुम पे सवाल उठेलस। शरीयत के मुताबिक हमार रुकैया बेगम से निकाह के ही नाजायज कहलस, रुकैया बेगम से हमार तलाक के मांग कैलस, और ऐसा कई संगीन गुनाह कई ले बा अदम खान। रउआ बजा फरमा रहल बाड़े, रउआ जे कह रहल बाड़े हम सब मानता नहीं, लेकिन फिर भी हम कह रहल बानी रउआ से, हमार बच्चा पे रहम करी शहनशाह।
रहुआ गलत मत समझे, हम रहम के मतलब कहत बानी कि रहुआ एक बख्श मत दे, रहुआ आदम खान के मौत के सजा दी, अपन हाथ से एकर सर कलम कर मादी, लेकिन रहुआ के आवाम के हाथ में मत सौंपी, आवाम के बेअब्रू को एक कत्ल कर दे, एकर जान ले ले, ऐसा मत हो के दी, रहम करी शहंशाह। मड़म्मी हम कुछ नहीं की करत, आदम खान ही रास्ता खुद इख्तियार कर ले बा। ना शहंशाह रहुआ गलत समझ रहे अल्बानी, आदम खान के दिल में कबो भी ख्याल ना आई, आदम खान कबो भी ना सोचते रहे कि बात ये हद तक आगे बढ़ जाए, वो कबो भी ना चाहत रहे कि राहुल और बेगम रुकैया के तलाक हो गए, हमरा पे यकीन करी, हम जाने ले कि आदम खान ना सोच ले रहे ऐसे। आदम बताई शहंशाह के, अदम बता दी शहंशाह के कि राहुल इरादा ही ना रहे कि शहंशाह और बेगम रुकैया के तलाक हो जावे। अदम बताई शहंशाह के, अदम अपन गुरूर तोड़ दी, अपन अम्बी खातिर सही अपन मुंह खोली और बताई शहंशाह के, अदम हम रहुआ के आगे भीख मांग रहल बानी। शहंशाह यकीन मानी, हमार दिल में ऐसा कुछ ना रहे, हम कबो ना चाहत रहनी कि रहुआ और रुकैया बेगम के तलाक होखे, हम तो सिर्फ तस्नीम से निकाह करल चाहत रहनी, हमसे पहले लाखों लोग ऐसा निकाह कर ले बाड़े, कबो केहू कुछ ना कहलास, जब बात हम पर आयल तब पाबंदी लगावल गए, इसे हमके ठेस पहुंचल, हमार गुरूर के, हमार ओहदा के, हमार दिल के ठेस पहुंचल, होश संभाले से लेके आज तक हम मुगल सल्तनत के खिदमत कैले बानी, पर हमके का मिलल, शहनशाह हमके का मिलल, ए रुसवाई। काहे कि तू गुनाहे अजीम कैले बा आदम खान, तू हमार हुकुम के ललकर ला, अगर हम चाहती तो अपन शमशीर से तहार सर के कलम करके फेंक देती, लेकिन ना, हम ई बात के ही अंजाम ना देवे चाहत रानी, हम हर शख्स के दिल में खौफ पैदा करे चाहत रानी, जे बादशाह के खिलाफ मुखालफत करे के सोचे भी, ई जता देवे चाहत रानी कि केहू भी हमरा खिलाफ उंगली उठाई तो ओकर यह हश्र होई, आज तहार गुरूर के कुचल दिहल गइल बा आदम खान, आज तहरा एहसास भइल बा कि तू शहंशाह और आवाम के सामने कितना कमजोर, कितना अदना बाड़ा। शुक्र मनावा आदम खान कि हम एक बार फिर बड़म्मी की वजह से तुहार जान के बख्शा था नहीं, लेकिन तारा सजा जरूर मिली और तुहरा सजा देवे के जिम्मा हम रुकैया बेगम के देता नहीं। रुकैया बेगम आप जौन सजा चाहिए आदम खान के तस्वीज कर सके। रउआ ना सिर्फ हमार दोस्त बाड़े, शोहर बाड़े, बल्कि एगो शहंशाह भी बाड़े, यही से हमरा ओर से रउआ जे भी फैसला लेहब उमें हमार मंजूरी होगी, काहे के इंसाफ कैसे करे के बा और कौन से सजा जायज बा ये हमसे बेहतर रउआ जाने ले शहंशाह। आदम खान तहार सजा के तौर पे हम तोरा से मालवा के सूबेदारी वापस लेता नहीं, और जौन गुस्ताखी तू दीवाने आम में कैले बाड़ा ओकरा बाद तोहार दीवाने आम दीवाने खास में तोहार मौजूदगी पे पाबंदी लगावता नहीं। मुगल सल्तनत के कोनो भी औदा से जुड़ल तोहार ताकत तहरा से छीन लिहल जाई और अब तोहरा के आम इंसान करार दिहल जाई। अग्गा साहब।
आदम खान से होकर मोहर और हथियार वापस ले लिया जाए और हमारा अगला हुक्म तक इनके सिर्फ हिजारत में रखल जाए। हम कबो ना देख सकेली कि ई तरह हमार आवाम के लोग भूखल प्यासल रात भर एगो फैसला के इंतजार में महल के बाहर खड़ा रहे। एक खातिर ई मामला पे हम फैसला ले लेले बानी। शहंशाह जिंदाबाद, शहंशाह जिंदाबाद, शहंशाह जिंदाबाद, शहंशाह जिंदाबाद, शहंशाह जिंदाबाद, शहंशाह जिंदाबाद। अदगा साहब, मुगल सल्तनत के शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद के हुक्म से ही फरमान जारी कर गई बा कि आज के बाद मुगल सल्तनत में 14 वर्ष से कम कोनो भी लड़की के निकाह नाजायज मानल जाई। निकाह करे या करवावे वाला के गुनहगार मानल जाई, ओकरा सख्त से सख्त सजा दिहल जाई। ये कानून आज से लागू मानल जाई, लेकिन इससे पहले जो निकाह हो चुकल बा ओकरा पे ये कानून लागू ना होखी। यही से दीवाने खास में मसलत के बाद में ये फैसला लिहल गई बा कि जलालुद्दीन मोहम्मद और उनकर खास बेगम रुकैया सुल्तान उनकर तलाक ना होखी। हमने शहंशाह के बहुत ही शुक्रगुजार बानी कि वो आवाम के भलाई खातिर फैसला लेलन, लेकिन हम ये जानल चाहते नहीं कि असल गुनहगार आदम खान के सजा मिलल कि ना। आदम खान के ओकर गुनाह के सजा मिल चुकल बा, ओसे ओकर सुबेदारी छीन लिहल गईल बा और ओकरा कैद खाना में डाल दिहल गईल बा इरशाद के साथ। आज के बाद वो दीवाने आम और दीवाने खास में शिरकत ना करी। हम यहाँ मौजूद तमाम आवाम से, बुजुर्ग और आलिम हजरात से ये इल्तिजा करे चाहता नहीं कि ये कानून रियाया और उकर बच्चा लोग के मुस्तकबिल के मद्देनजर रखत बनाइल गईल बा। एक कानून पे पूरा सख्ती और पूरा दिल से अमल होखे। मुगल सल्तनत जिंदाबाद, शहंशाह जिंदाबाद, 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 शहंशाह जिंदाबाद, शहंशाह जिंदाबाद, जिंदाबाद, शहंशाह जिंदाबाद, मुगल सल्तनत जिंदाबाद। बहुत बढ़िया फैसला, वाह वाह, शहंशाह जिंदाबाद, वाह। आदाब हुजूर। रेशम, अगर हम तो हसे कहें कि कुछ लम्हा में ही एक फरमान तैयार करो तो का कर सकबू? राउर हुक्म बजायल हमार फर्ज बा वजीर आलिया, मगर ये बहुत मुश्किल है। पहले तो फरमान लिखल जाला, फिर उकर जांच होकेला, हर्फ दर हर्फ बादशाह सलामत के सुनावल जाला, फिर नकल निकलेला और फिर ओकरा बाद मोहर लगेला। ये काम में एक दिन से ज्यादा वक्त लगेला वजीर आलिया। हाँ, अगर शहंशाह चाहे तो ये फरमान जल्दी लिखल जा सकेला, पर ये बात रहुआ बेहतर जाने ली वजीर आलिया। जानत रहनी लेकिन पहचान न सकनी। एकर मतलब हुजूर, आदम खान के सजा सुनावे के चंद लम्हा बाद हमरा आंख के सामने अवाम के ऊ फरमान सुनावल गई, और ये तभी मुमकिन बा जब ये फरमान पहले से तैयार होके। ये फरमान पहले से तैयार रहल रेशम, सब कुछ पहले से तय शुदा रहे, आखिरी फैसला सुनाइला से पहले सब कुछ तैयार रहे, और हमरा सामने जलाल छे कुछ भी कहलस महज एगो नाटक रहे हमके दिखावे खातिर। या खुदा, एकर मतलब तीनों मिलल बड़े, तीनों बेगम चौधा, बेगम रुकैया और जलाल, तीनों। एकर मतलब रुकैया बेगम के आवाम से मुखातिब होखल, आदम खान साहब के बारे में बताइल, यहाँ तक कि आवाम के उकसाइल
यही तरकीब के एगो हिस्सा रहे? बेशक। लेकिन जोधा बेगम भी एमे शामिल रहली, ये बात समझ में ना आयल हुजूर। इहे त खास बात बा जलाल के, उस शेर के तरह ताकतवर बा, तलोमड़ी की तरह चौलाक भी। वह जलाल का खेल खेले बड़ा अपन बड़ी अम्मी के साथ है। वह हैरानी की बात तई बा कि बेगम रुकैया के हम खुद भड़के ले रहनी बेगम जोधा के खिलाफ कि सारा फसाद के जड़ बेगम जोधा भी आ, लेकिन एकरा बावजूद तीनों मिल गई ले। ई तीनों के मिलावे के पीछे केकर दिमाग बा, ये हम तब समझ ना पाइल रहनी। लेकिन हमार खबरी हमके बतैलस कि जलाल अक्सर बेगम जोधा से रात में मिलत रहले, और तब जाके ये सारा खेल हमरा समझ में आ गई। जलाल हमरा साथे खेल खेललस।